और उसके बाद मैंने कहा कि अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे जिनको अंग्रेजों ने अपने शोषण की सत्ता सौंपी थी वो अंग्रेजों के दलाल ही थे, इस वजह से उनको शोषण की सत्ता सौंपी गई थी। आप कमो बेस उनकी लोगों ने देश के बहुसंख्यक आवाम पर 90% आवाम पर शोषण करने लगा। तो इन बातों को भूला तब जाता है जब परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हुए प्रदर्शन क्या प्रदर्शन में शामिल कनीय अभियंताओं ने बताया कि पिछले 4 सालों से इनके रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है, जिसको लेकर वे सड़क पर उतरने को मजबूर है। बिहार के मंत्री आलोक मेहता ने अपने 10% वाले बयान पर कायम रखे हैं। मैं समझता हूं कि उस 10% पर जो आप कन्फाइंड आपके शब्दों में चाहे और भी कई लोगों ने उठाया इस सवाल को, 10% मैंने कहा कि जब अंग्रेज थे तो शोषक अंग्रेज थे और देश के लोग शोषित थे, उनको 10% कहा जाता है। जगदेव बाबू ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और उसके बाद मैंने कहा कि अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे जिनको अंग्रेजों ने अपने शोषण की सत्ता सौंपी थी वो अंग्रेजों के दलाल ही थे, इस वजह से उनको शोषण की सत्ता सौंपी गई थी। आप कमो बेस वही लोग उन लोगों ने देश के बहुसंख्यक आवाम पर 90% आवाम पर शोषण करने का कार्य किया। तो इन बातों को भूला तब जाता है जब परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हुए। रिजल्ट प्रकाशन की मांग को लेकर कनीय अभियंताओं ने राजधानी पटना में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से रिजल्ट प्रकाशन की मांग की। इस दौरान कनीय अभियंताओं ने बीजेपी कार्यालय के समीप भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कनीय अभियंताओं ने बताया कि पिछले 4 सालों से इनके रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है, जिसको लेकर वे सड़क पर उतरने को मजबूर है। कनीय अभियंताओं के प्रदर्शन को देखते हुए जेडीयू आरजेडी और बीजेपी दफ्तर के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि उठा लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।